गुड मॉर्निंग गाइज, और सुबह की चाय पी रहा हूँ और आपके लिए आज नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट है कि आप जो गाड़ी में अमाउंट देते हैं, जो एक ह्यूज अमाउंट देते हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे ट्रक हो, चाहे इवन बाइक कार हो आपकी, तो वो पैसा किसको कितना जाता है। यानी कि एक ब्रेकअप देखेंगे हम, ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है, ये दूसरा ब्रेकअप है गाड़ियों के, जो अमाउंट का जो ब्रेकअप होता है ये उस ब्रेकअप की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने 7 लाख रुपीज़ अपनी गाड़ी के लिए दिए, तो वो कहाँ कहाँ RTO में गया है, पॉल्यूशन में गया है, कंपनी में गया, किसका कितना गया है। और ये हर चीज़ का अलग होता है, यानी कि टू व्हीलर्स का थोड़ा अलग होता है। हाँ, इसका मेन रीज़न वही होगा, लेकिन इसमें अमाउंट अलग अलग होगा कि बाइक के लिए आपका कम जा रहा है, कार के लिए आपका ज़्यादा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं। तो उस पर यार डिटेल बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कैसे स्टार्ट होता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि गाड़ी का एक्सरूम प्राइस और ये सब, तो बेसिक क्या होता है कि जो हमारा कार डीलर होता है वो एक मारुति सुजुकी से कोई उसका मतलब नहीं होता है, वो तो कंपनी से मारुति सुजुकी से अपना एक गाड़ी ले लेते हैं, स्टोर से गाड़ी मंगवा लेते हैं, ट्रक और इन सब चीज़ों से, और अपने पास रख लेते हैं। वो लेते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस पे वो गाड़ी, यानी कि जो फैक्ट्री पे प्राइस होगा वो फैक्ट्री प्राइस पे वो गाड़ी ले लेते हैं, मतलब अपने शोरूम पे ले लेते हैं। अब शोरूम पे जब गाड़ी आ जाती है तो वो हो जाती है एक्स शोरूम प्राइस। अब हमें एक्स फैक्ट्री प्राइस से कुछ चीज़ में लेना देना नहीं है, हमें एक्स शोरूम प्राइस से लेना देना है, क्योंकि हम डीलर से बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो एक्स शोरूम प्राइस जब हो जाता है तो उसके आगे की कहानी बताता हूँ अब क्या होता है। तो गाइस, गाड़ी आ गई है आपके एक्स रूम यानी शोरूम में। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो कंपनी या जो भी शोरूम डीलर होता है वो आपको बहुत सारी चीज़ें कभी कभी चार्ज भी करता है, आपकी सर्विस होगी गाड़ी की, और जो कन्वेंस चार्ज हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गए, इवन पार्किंग भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में चार्ज किया जाता है, देखा गया है। छोटी सिटीज़ में कम देखा गया, लेकिन बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा देखा गया है। और इस जब इस टॉपिक पे आज बात नहीं करेंगे कि क्यों है, क्या है, आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, तो उस टॉपिक को रहने देते हैं, इस टॉपिक पे शुरू हो जाते हैं कि एक्स रूम प्राइस में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब गाड़ी खड़ी हो चुकी है आपके शोरूम में और चार्जेस का मैंने जो आउट चार्जेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब सर्विस के चार्ज आपके लग चुके हैं। अब बात आ जाती है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हैं, सबसे पहली इंडिया में रूल जो आपको पता ही होगा कि गाड़ी शोरूम से निकलने से पहले उसका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये अच्छी चीज़ भी है। तो अब लग जाता है शोरूम में इंश्योरेंस चार्ज, यानी कि टैक्स लग गया आपका और सर्विस लग गई आपकी, उसके बाद लग गया इंश्योरेंस चार्ज। और अगर गाड़ी आपकी 10 लाख से ऊपर की है तो याद रखिए यहाँ पर लग जाता है TCS, यानी कि टैक्स सर्विस चार्जेस जो भी आपके लग जाते हैं वो 10 लाख से ऊपर की गाड़ी के लगते हैं, और ये आपका टोटल अमाउंट का 1% लगता है। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि ये रिफंडेबल भी है, अगर आपका इनकम टैक्स उस दायरे में आता है तो ये रिफंडेबल भी है, मतलब आप रिफंड करा सकते हैं अपने टैक्स वैक्स जो भी करके, उससे रिफंड भी करा देते हैं। तो गाइस, ये सब होने के बाद अब हमारा आ जाता है मेन जो चीज़ होती है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। यानी कि हर इंडिया में जो भी गाड़ी आपकी, जैसे इंश्योरेंस कंपलसरी है वैसे रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। हर गाड़ी को एक नंबर दिया जाता है, एक यूनिक नंबर होता है जिससे आपकी गाड़ी आइडेंटिफाई होती है, इवन आपके शोरूम में भी, इवन आपके पास भी, इवन कहीं भी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें दो चीज़ देखने वाली चीज़ हैं, कोई लोग इसको 1 मंथ का भी कराते हैं, कोई लोग इसको परमानेंट भी कराते हैं। 1 मंथ का लोग इसलिए ज़्यादातर कराते हैं क्योंकि अगर उनको कोई यूनिक नंबर चाहिए होता है और वो सीरियल नंबर नहीं चल रहा होता है तो 1 मंथ टेम्परेरी करा देते हैं कि आइंदा आएगा, आगे आएगा तो हम उसमें करा लेंगे, वरना लोग इसको परमानेंट ही कराते हैं। अच्छा, यूनिक नंबर जो आप कह रहे हैं कि 1 मंथ के लिए, वो 1 मंथ का जो चार्जेस होता है वो होता है 1200 to something 2000 rupees, और ये हर स्टेट और RTO से वेरी करता है। और जो परमानेंट होता है वो भी शोरूम वाले करा के दे सकते हैं आपको, इवन आप डायरेक्ट RTO से भी करा सकते हैं। अब है क्या कि इसमें चीज़ें, दो चीज़ें इसमें देखने वाली हैं, पेट्रोल और डीजल। जो डीजल इंजन्स होते हैं वो थोड़ा 11 to 12% हाईली होते हैं जो हमें टैक्स देना होता है, इवन पेट्रोल वर्जन्स जो हैं वो थोड़ा कम में होते हैं, 6 to 7% में हो जाते हैं। ये भी स्टेट और RTO पे वेरी करता है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई, आपने टैक्स दे दिया, आपने इंश्योरेंस दे दिया, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब चलते हैं आगे। अब गाइस, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब कुछ नेगोशिएबल चीज़ों के बारे में आ जाते हैं जो आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं डीलर से। यानी कि सबसे पहली चीज़ है एसेसरीज। डीलर आपसे कहेगा कि एसेसरीज लगा लीजिए आप गाड़ी जब निकाल रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, इवन मना भी कर सकते हैं कि मुझे नहीं लगाना, इवन आप फ्री में भी लगा सकते हैं जैसे भी आप एडजस्टमेंट करें। अब दूसरी चीज़ यह है कि डीलर आपको हमेशा डराएगा कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए, इंजन ये हो सकता है, आप इस चीज़ की एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए, गियर बॉक्स की ले लीजिए। वो भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपको लेनी है नहीं लेनी, अगर नहीं लेनी है तो वो भी आप साफ मना कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है कि रोड साइड असिस्टेंस, यानी कि जब आपकी गाड़ी कोई ख़राब हो, आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम रोड साइड असिस्टेंस आपको चाहिए नहीं चाहिए। ध्यान रहे, इस चीज़ में भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप रोड साइड असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंश्योरेंस में कवर होता है।
अगर आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं है तभी इसको लें, और वहाँ पे लें जहाँ पर इंश्योरेंस से क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे रीजनेबल रेट पे ये चीज़ें मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू डीलर या फिर जो भी एक्स शोरूम है आपका। तो ध्यान रखें कि इन चीज़ों को आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अब आपको मैंने पूरे बता दिए हैं, एक्स फैक्ट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, एक्स शोरूम प्राइस को मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आ जाता है आपका सर्विस, यहाँ पर आ जाती है आपकी पार्किंग, यहाँ पर आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन, यहीं पर आ जाता है इंश्योरेंस, यहीं पर आ जाता है आपका जो भी एसेसरीज पार्ट और ये सब चीज़ें हैं। तो होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि जो भी आप पैसा देते हैं यानी कि जो आप ह्यूज अमाउंट देते हैं वो किस लिए देते हैं, कहाँ पे देते हैं और ये चीज़ें कहाँ पे जा सकता है और ये चीज़ कहाँ पर आप नेगोशिएट कर सकते हैं और किस चीज़ में नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ और ख्याल रखें अपना।